Happy Dhanteras! अरे भी आजकल ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में करता है, सुबह से स्नैक टाइप खाता है, तो मैंने उसके लिए गार्लिक ब्रेड बनाई है एंड हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट में सिंपली अभी कोई कोको एंड ऑल नहीं पड़ा था घर पे, तो दूध में घर में चॉकलेट थी वो मिक्स कर दिया, प्लेन मिल्क चॉकलेट एंड मिल्क। हैप्पी हो गए आप? बैठ के पियो। अच्छा बैठ जाओ आराम से। म्याऊ 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 कर रहा तो खा लो। आई भी बनाएगा सबके लिए दिवाली के कार्ड्स। यस अभी मैं ये कर रहा हूँ, टेप मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगा। टेप नहीं चिपकाना इसके ऊपर, देखो मम्मा बताएगी। स्क्वायर है ना, इसको हमने फोल्ड कर लिया, हमारे पास ये पहले से पड़ा हुआ था। इसके ऊपर हम एक बनाएंगे, मम्मा बनाएगी आपके लिए दिया, और यहाँ पे आप पम पम चिपका देना, ठीक है? यहाँ पे आप, मम्मा दिखाती है क्या करना है। यहाँ पे आप आई वी लगाएगा, पम पम लगाओ इस डॉट पे। यस, ये हमने दिया बनाया। अभी जब सूख जाएगा फिर हम अंदर हैप्पी दिवाली लिखेंगे। दिया को डेकोरेट करें मामा थोड़ा सा आपके लिए, या आप स्टिकर से करोगे डेकोरेट? मैं स्टिकर से नहीं करूंगा। स्टिकर से कर देना फिर खुश हो जाएंगे। यारीवीर के हैप्पी दिवाली कार्ड से यश। अब बताओ इसमें से दादी दादू को कौन सा दोगे आप? ये वाला। ठीक है, इसमें लिख लेते दादी दादी। बस अरेवी से हर कार में मैं बॉक्स के अंदर कुछ लिखवा रही हूँ उसकी तरफ से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली जिस दिन आप ये देख रहे होगे। हमारे लिए आज धनतेरस है। काफ़ी घरों में मैंने सुना है कि धनतेरस की पूजा होती है, हमारे यहाँ धनतेरस का ऐसा कुछ होता नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपके यहाँ धनतेरस की पूजा होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी, मेरे मायके में भी नहीं होती थी, मेरे ससुराल में भी नहीं होती, तो आई हैव नो आइडिया। आज थोड़ा सा ड्रेस्ड अप हुए, एक दो दिन थोड़ा ड्रेसअप रहना अच्छा रहता है। अगर आप ड्रेस्ड अप नहीं हो छोटी दिवाली के लिए, आई वुड सजेस्ट ड्रेसअप हो जाओ। फेस्टिवल्स कभी कभी आते हैं यार, फुल ड्रेस ऑन होना चाहिए। मैं धनतेरस टू दिवाली ये 3 दिन तो फुल ऑन ड्रेस्ड अप रहती हूँ, दिवाली के एक दिन बाद ब्रेक लेती हूँ, भाई दूज में फिर ड्रेसअप होती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर शादी सीजन में ड्रेसअप होता है। पॉइंट ये है भाई, दिवाली एक ही बार आनी है, अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ। तो यार आज हम लोग का प्लान फिलहाल तो कुछ नहीं है, शाम को मेरे मॉम एंड डैड आ रहे हैं दिवाली मिलने एंड एवरीथिंग, एंड देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो बीच में मार्केट के एक दो छोटे छोटे काम है अगर वो कर पाए तो। हमारी लाइट्स नहीं लगी अभी क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, एंड वो सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड ऑल जानता है, एंड इवन जो हमारे घर की लड़ियाँ एंड ऑल है उसी ने स्टोरेज में रखी हुई हैं, तो उससे एग्जैक्टली पता है कहाँ पर है। तो हमारी लाइट्स ही नहीं लगी अभी तक, होपफुली वो आज आ जाएगा, उसको वीकेंड पर आना था बट उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसने बोला तो आ जाएगा, फिंगर्स क्रॉस, वरना सिर्फ दियो से जलाएं, और तो उससे ज़्यादा है हमारे पास दिए भी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग, अगर आपने मेरा दिवाली शॉपिंग वाला व्लॉग और हॉल देखा है तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे दिए नहीं है उसमें। कुछ तो मेरी मदर इन लॉ ले आई थी जो लोकल वेंडर्स से दिए होते हैं जिनमें सिंपली तेल डालना होता है, एक लोकल वेंडर्स के पास वो भी मिलते हैं जो वैक्स वाले दिए होते हैं, एंड वो हमें लगा हमने खरीदे हैं, बट जिन्होंने जिस शॉप से हमने फाइनल बिलिंग सब चीज़ों की कराई थी हमें लगा हमने 300 दिए खरीदे हैं, जो फाइनल बिलिंग कराई इन ऑल, तो हमने भी नहीं ध्यान दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने हमें दिए ना वो बिल हुए ना कुछ हुआ, तो हमारे पास 300 दिए कम है। देखते हैं आज अगर हम जाके दिए ला पाते हैं कुछ और, या कैंडल्स ला पाते हैं कुछ और, प्लस हमारी लाइटें लग पाती हैं नहीं, क्योंकि यार दिवाली में 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, लाइटें तो लग जानी चाहिए। डॉक्टर आप इधर देखोगे एक सेकेंड, बाघ का तो कर दो कुछ, दांत भी टूटे पड़े हैं बाघ के, और आप देख भी नहीं रहे बाघ की टांगों में भी दर्द है। कहाँ जा रहे हो? इधर आ, दादी सो रही है, बाकी कर दो बाघ की, एक बाघ का इंस्पेक्शन कर दो पहले, बाघ का तो कर दो, बाबूटी बाघ है।
इंजेक्शन लगाओगे? चेकिंग तो करो पहले। चलो भाई, फिर मैम आपको अपना आपका गिफ्ट दिखाती है। आपका धनतेरस का गिफ्ट है। हैप्पी धनतेरस। खेलना है आपको ये पजल पीसेस है, ये भी ना कंस्ट्रक्शन टॉयज हैं ये सारे के सारे। मुझे अभी खेलना है। ओके, मम्मा खोल दे आपके लिए। हाँ। इसमें पता है क्या क्या है? एक एम्बुलेंस है, एक फायर इंजन है, एक क्रेन है और एक पेट्रोल ट्रक है। बट आप पहले चप्पल पहन के आओ। क्या क्या चप्पल पहनो? ये रही आपकी चप्पल, ये रही इधर इधर, ये रही मम्मा पास। आरिवी कौन निकालेगा फिश टैंक से? मैं। आरिवी निकालेगा? आरिवी फिश टैंक क्लीन अप में हेल्प करने जा रहा है। के इवनिंग स्नैक में कटलेट बना रही हूँ। बस आलू ग्रेट कर लिया, बॉइल्ड आलू और एक कैरेट उसमें ग्रेट कर लिया एंड नमक एंड धनिया, ऐसे मिक्स करके इन्हें कटलेट शेप में डीप फ्राई। थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही हो गया क्योंकि कैरेट लगता गीली थी, तो एक ब्रेड क्रम्बल करके डाल रही हूँ उसमें। मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर बनाया था आरवी के मिल्क एंड ऑयल में डालने के लिए, देखती हूँ अगर इसमें रैप करके टिक्की कैसी बनती है। सही लग रही है यार, ये तो नई चीज बन गई, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग हुई थोड़ी सी। बस बर्गर में बेस में लगाई थोड़ी सी मेयोनीज एंड चीज। हाँ जी, आपका बर्गर बन रहा है। तो पाव है। हाँ, पाव का बर्गर बना रही हूँ बस। गोदी क्यों चाहिए आपको? मुड़ा ले। अरे नहीं करनी, इसको हाफ कर दूं। चलो बगा तैयार। ये मैंने बाथ एंड बॉडी वॉक से लिया था, डिफ्यूज़र है इलेक्ट्रॉनिक, बट कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा चलो आज दिवाली के दिन लाइक दिवाली सीजन में यूज़ करके देखते हैं। मेरे मॉम एंड डैड अभी आने वाले हैं। इसमें कोई लाइट दिख रही है अरे वीर? पता कैसे चलेगा ऑन हो गया? क्या हो गया बंदर? देखो मम्मा दिखाती है। मम्मा ने इधर लगा दिए हैं कैंडल्स। अच्छी लग रही है?
यस हाँ तो इसकी बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है रविवीर है ना आ रही है ना दूर से लेके ओके वहीं वहाँ पे आ रही है आपको वहाँ पे नहीं आई यहाँ पे खड़े आके आ रही है बड़ी अच्छी स्मेल है बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो आज भी वही लाइट है आज भी लाइट से सब जगह आज भी वही है हाँ बट हमारे घर में लाइट्स नहीं है हमारा इलेक्ट्रिशियन नहीं आ पाया आज भी वही है वही है वही है मम्मा मेकअप कर रही है ठीक है मम्मा जो कल जल रही थी वही है ये कल भी यही लाइट जल रही थी आज भी यही लाइट जल रही है कल भी यही जलेंगी हरवीर परसों भी यही जलेंगे अभी दिवाली तक लाइट जलेंगी हमारे सामने एक मंदिर है वहाँ पे लाइट जल रही है वो कह रहा है हमारी घर की लाइट अभी नहीं चली अभी चलेंगी हमारी भी चलो अब जाओ चप्पल पहनो माम की साड़ी देखो लिनन की साड़ी है माम ने ऑनलाइन मंगवाई है वो इसमें वो भी है ऐसे भी है बड़ी अच्छी साड़ी है हाँ कुछ फैब्रिक बड़ा अनयूजुअली अच्छा है बड़ा सही है ऑनलाइन बड़ा सुंदर लग रहा था हाँ एक्चुअली बड़ा एलिगेंट और लाइक फंकी भी है हाय गाइस हमको ये मिला दिवाली पे मेरे घर से आया कैनन सेल्फी मैंने पहले वो सोचा था मैंने भैया को एक्चुअली बोला था कि एच पी स्प्रॉकेट का बट फिर जब मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े तो उसके रिव्यूज़ बहुत ही बेकार थे फिर भैया बाई चांस किया हुआ था मार्केट में भैया उसने कहा ये बहुत अच्छा है ये ले लेते हैं तो ये दिवाली पे मिला दिखाती हूँ अभी इसका क्या प्रिंटिंग प्रोसेस है बड़ा सही है मुझे एक्चुअली मन करता है फ़ोटो एल्बम से नॉल बनाने का बट प्रिंट कराने जाना फ़ोटो से नॉल लाइक वो मुसीबत लगती है मुझे अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना कूल है ये वो होता है कि दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक कुछ ना कुछ गिफ्ट करना ही है तो वॉज लाइक कि कुछ लाइक करना ही करना है तो कुछ ढंग का ही कर दो इन द टर्म्स की लाइक जो मुझे चाहिए वही कर दो एंड फ़ोटोज़ का स्पेशली फ़ोटो प्रिंट करने का मुझे आजकल बहुत शौक हो रहा है बिकॉज आई एम लाइक कि यू नो मेमोरीज हैं यार अगर एक बार मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया था बताती हूँ आर्यवीर जब छोटा था तो मेरा जो फर्स्ट मोबाइल था उस टाइम वो ख़राब हो गया था एंड आर्यवीर की इनिशियल मंथ्स की आई थिंक फर्स्ट 0 to 3 मंथ्स की फ़ोटोज़ जो मेरे फ़ोन में थी वो सारी चली गई हैं कुछ भी नहीं है सो इवन गूगल ड्राइव एंड ऑल पे वो सेव नहीं हुई क्लाउड पे सेव नहीं हुई मैंने ट्रांसफ़र नहीं की थी तब तक तो मुझे ना फिज़िकल फ़ोटोज़ मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती हैं बिकॉज जस्ट इन केस इंटरनेट क्रैश हो गया तो हमारी तो सारी मेमोरीज़ गई हार्ड डिस्क क्रैश हो गई सारी मेमोरीज़ गई क्योंकि सारी फ़ोटोज़ तो हम लोग ऑनलाइन या हार्ड डिस्क पे सेव करते हैं एल्बम्स एंड ऑल बनाते ही नहीं लास्ट एल्बम प्रॉपर जो बनी थी आई गेस वो मेरी शादी की थी आर्यवीर के फर्स्ट बर्थडे की भी मैंने नहीं बनाई थी एल्बम बट मेरा मन है बनाने का सो आई थिंक दिस वुड हेल्प मी अ लॉट इन कीपिंग माई मेमोरीज सेफ क्योंकि फिज़िकल चीज़ डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आई फील ऑनलाइन इंटरनेट डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा ईजियर है एनीवेज ये वाली फ़ोटो प्रिंट करके देखते हैं इनकी बस एक ऐप डाउनलोड करनी होती है एंड देन आई शो यू बड़ा कूल है मैंने अभी एक दो फोटो प्रिंट किए हैं बड़े कूल तरीके से प्रिंट होते हैं दिखाती हूँ डोंट वरी अभी एक कलर होगी जब फर्स्ट प्रिंट आया था तो मुझे भी डर लगा था कि शिट अभी तो नया है ये ख़राब हो गया सिर्फ येलो प्रिंट हुआ है बट नहीं ये कलर वाइज प्रिंट करता था अभी येलो प्रिंट किया है अभी ये पिंक स्लैश रेड टोन्स प्रिंट करेगा फिर ब्लू टोन्स फिर वाइट टोन्स एंड एक्चुअल पिक्चर लास्ट में बड़ी सही आती है लाइक द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इज़ रियली नाइस एच पी स्प्रॉकेट की क्वालिटी सबने कहा था बहुत बेकार है लाइनें आती हैं ये वो दिस इज़ परफेक्ट लाइक लुक एट दैट मुझे बड़ा सही लगा यू की जीट हाउ कूल इज दिस देखना प्रिंट क्वालिटी एंड लाइक फ़ोटो क्वालिटी सब बहुत सही है एंड ऑब्वियसली कैनन का है तो फिर क्वालिटी तो होगी ये आई थिंक ये बहुत अच्छा गिफ्ट है आर्यवीर की कुछ बुक्स आई है और ये मुझे बहुत सुंदर लगी पैकिंग लुक एट दैट डियर्स एंड ऑल इसमें पैकिंग कितनी सुंदर मुझे बास्केट खोलने का मन नहीं कर रहा और भी बहुत चीज़ें बट मुझे सारे गिफ्ट्स दिखाना लाइक थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे लगता है दूसरे पर्सन पर ऐसे प्रेशर आता है कि उनको कुछ देना है या कुछ अच्छा देना है जस्ट बिकॉज मैं व्लॉग करती हूँ या वट एवर तो इसलिए मैं सारी चीज़ें दिखाना अवॉइड करती हूँ
वो तो लाइक बाय चांस हो ही जाता है कि व्लॉग्स में मैं मेंशन करती रहती हूँ कि ये इसने दिया था ये उसने दिया था, तो आपको पता ही चल जाएगा. बट ये चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. एक तो बुक्स तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है. अगर आपके घर में कोई बच्चा है एंड ऑल टाइम शो ये छोटी दिवाली पर व्लॉग जा रहा था, हम गेसिंग आप लोगों ने ऑलरेडी गिफ्ट्स ले लिए होंगे. इन केस गिफ्ट्स अभी नहीं लिए या भाई दूज पे आपको क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ कल धोती हूँ या भाई दूज पे आपको गिफ्ट देना है किसी छोटे बच्चे को या एनी टाइम आपको गिफ्ट देना है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप बच्चों को बुक्स गिफ्ट करो. देर इज नथिंग बेटर दैट यू कैन गिफ्ट. कोई भी टॉय बुक से बेटर नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी. तो आई वुड एडवाइस यू कि किसी को अगर आपको गिफ्ट करना है तो गिफ्ट देम बुक्स. आरजीवी की जो बुक्स नहीं आई है वो ये है, मेरी पहली क ख घ. मेरी हिंदी बोलने में तो सही है बट राइटिंग रीडिंग बहुत ख़राब है. सो मैं और आरजीवी साथ में सीखेंगे ये, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक मैंने आरजीवी को क ख घ नहीं सिखाई है. कोशिश की थी, आई हैड फ्लैश कार्ड्स, कोशिश की थी बट देन आई स्टॉप्ड क्योंकि मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है. बट पढ़ना एक्चुअली हिंदी बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, बट आई थिंक सीखना बहुत ज़रूरी है. एन आर वीर के साथ मैं भी सीखूंगी. तो वी हैव दिस फॉर मी एन आर वीर. देन आर वीर के लिए पेपा पिग की बुक्स, उसका फेवरेट कार्टून. ठीक है चलो पेपा पिग की बुक्स पढ़ा के देखेंगे. हाँ ये आई थिंक एपिसोड भी है. अच्छा दीज आर एपिसोड्स बट इन लाइक बुक फॉर्म. तो वी हैव रिसाइकलिंग फन, जॉर्ज कैचेस अ कोल्ड, पेपा गोज कैंपिंग, एंड देन वी हैव दिस जो मुझे बहुत सही लगी, दिस इज रामायण स्टोरीज द ब्रेकिंग ऑफ द बो, प्रिंस राम इन गुरुकुल, एंड राम मीट्स द मंकी किंग सुग्रीव. अब आई डोंट नो दिस इज लाइक अ थ्री पार्ट स्टोरी, आगे पीछे की स्टोरी अरेबी को मुझे समझानी पड़ेगी. आई थिंक समझानी पड़ेगी. नहीं आई थिंक समझ जाएगा अरेबी. इट्स लाइक वन पोर्शन ऑफ द स्टोरी इन वन गो. तो ये इंटरेस्टिंग है. मैं हमेशा से काइंड ऑफ डाइसी रही हूँ अरेबी को रामायण और महाभारत अभी पढ़ाने के लिए या नहीं पढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए नहीं दिखाने के लिए. बिकॉज मेनली बिकॉज एज अ ग्रोन अप व्हेन यू लुक बैक एट रामायण एंड महाभारत वो इन टर्म्स ऑफ लाइक बहुत वियर्ड है. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन, अ लॉट. लाइक महाभारत में तो भाई इनिशियली यही कि माँ की बात सुन के पांच भाइयों ने एक शादी कर ली. लाइक दैट्स जस्ट डम. आई एम सॉरी कि मैं रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रही हूँ बट आई डोंट फाइंड दैट ओके टू टीच माई चाइल्ड दिस स्टोरी. स्पेशली जब वो इस एज पे है जब उसे स्टोरी एंड एक्चुअल लाइफ का डिफरेंस अभी उतना ज़्यादा नहीं पता है. एंड देन रामायण में स्टोरीज एवरीथिंग इज ओके बट द ओनली रीज़न कि मैं रामायण उतना नहीं लाइक बताती आ रही वी को इज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राम जी सेंट सीता जी अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ द लॉ विच वॉज ऑल ओके बट आई डोंट नो लाइक आई एम जस्ट नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद इट. बट हाँ ऑफकोर्स एंड ऑफ द डे उसको स्टोरी सुनानी है. ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है. ही विल वन डे नो अबाउट कृष्ण जी राम जी रामायण महाभारत एंड द होल डील. तो अभी तक उतना नहीं बताया है. ही नोज द नेम्स. स्कूल में दिवाली का हुआ था प्ले इनका, तो लाइक टीचर्स ने किया था, कुछ मदर्स ने किया था. तो ही नोज द स्टोरी. लाइक ही इट्स नॉट कि वो कम्प्लीटली इन डार्क इज लाइक ओ माई गॉड ये क्या है, ऐसा नहीं है. बट आई हैवंट लाइक गॉन इन डेप्थ विद हिम. आई थिंक इस बुक से मे बी आई शुड. Like it's our culture, but I'm like really confused. Ramayan to chalo phir bhi is okay. I remember jab humne Amarjit katha and jo Ramayan TV pe aati thi usse Ramayan ki story puri suni thi, dekhi thi, samjhi thi, and which was all okay. But jab hum thode bade hue the tab Love Kush wali Amarjit katha mom lai thi, and I remember reading this that and I'm like
no. I was like, ye wahi Ram ji hai that like I thought of as a hero who went, you know, to save his wife and this and that. And उन्होंने सीता जी को कैसे भेज दिया? Like I felt like कि ये same person ने नहीं लिखी है, ये किसी और ने लिखी है, same story नहीं है. मुझे ऐसे धक्का लगा था. And since then I have never liked Ramayan. तो मुझे वही लगता है, like it's like a fight in my mind. What are your thoughts on Ramayan and Mahabharat? One day of course I do want to teach him and tell him about it. अभी भी मैं थोड़ा बहुत उसको बताया, जैसे दिवाली क्या होती है कि राम जी वापस आए थे घर अपने, उसको तो इस टाइप से बताया कि उनकी मम्मा खुश हुई थी रावण से, लाइक वो वापस सीता जी को लेके आए थे, उसको लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कि रावण को मार दिया था नहीं बताया. आई टोल्ड हिम कि उसको जेल में डाल दिया था रावण को, बिकॉज आई लाइक ही डजंट, आई डोंट थिंक ही नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज सच. एंड ऐसे मतलब इट्स लिटिल टू वायलेंट, वो भी लाइक 3 साल का होने वाला है, too violent for him. So maybe when he's like 4 or 5 I'll tell him. But abhi filhal to Ravan jail mein hai. So like I think I'm completely off topic ja rahe hain, but I want to know your views ki aap, especially ab Diwali hai, bacche puchenge Diwali kyu hoti hai, kya hota hai, what do you teach your children, ya agar aapke bade bacche hain to agar aur aapne introduce kar rakhi hai Ramayan Mahabharat, kaise ki क्या आपने उसके बारे में सोचा है, या यू जस्ट टोल्ड देम बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर आर हिस्ट्री, व्हाट आर योर थॉट्स एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? क्योंकि मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा. इट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, बट आई डोंट नो इफ आई वांट दैट टू बी अ पार्ट ऑफ आरजीवीज चाइल्डहुड. सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक. एंड आई थिंक मैं व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी. मुझे वैसे ये बास्केट भी खोलनी थी इस व्लॉग में. खोलू इसमें दिया लग रहा है और बंधनवार लग रहा है. मुझे ना सीरियसली ये बास्केट खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा. इतनी सुंदर है यार, इतनी सुंदर बास्केट मैं कैसे खोलूँ? सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दिस राइट नाउ. देखती हूँ कल खोलती हूँ. सो सब छोड़ो, सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. कल है दिवाली, विच मीन्स द लास्ट ऑफ दीवा लॉग. आई कैन नॉट बिलीव कि दीवा लॉग फिनिश हो रहा है. दिस इज लाइक कैसे खत्म हो गया. दिवाली का व्लॉग आई विल ट्राई माई हार्डेस्ट कि मैं दिवाली के नेक्स्ट दिन अपलोड करूँ. दिवाली का व्लॉग इज नॉट पार्ट ऑफ दीवा लॉग. दीवा लॉग इज ओनली अप टिल दिवाली. तो छोटी दिवाली तक ही मैं का ही व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ. दिवाली का व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी, बट आई विल सी कि वो मैं दिवाली के नेक्स्ट डे करूँगी या दिवाली के थोड़े दिन बाद करूँगी. आई थिंक कल के व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मेरा क्या प्लान है. एंड आई सी दिस टुमारो एट 4. Please subscribe if you haven't, and I'll see you guys very, very soon. Bye.